कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल कर्ल मी क्रेजी में। आज हम प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स के अंदर नया टॉपिक है जो कि लेकर आए हैं, वो है पीठ दर्द और कमर दर्द। गाइज, वो होता क्यों है, क्या कारण होते हैं उसके होने पर, अगर वो हमें होता है जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर, क्या हमें उस टाइम पर मेडिसिन लेनी चाहिए, तो इसके ऊपर है जो कि मैं सभी बातों के ऊपर चर्चा करूंगी। और जो भी बातें हैं वो किस वजह से होती हैं और हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए, वो सभी आपके साथ है जो कि डिस्कस करूँगी। तो मेरे साथ है जो कि वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जैसे कि जो पीठ दर्द कमर दर्द होते हैं वो होते क्यों हैं। सो गाइस, क्योंकि जैसे कि हमारी जो बोन्स होती हैं और हमारे जो जॉइंट होते हैं वो लिगामेंट टिश्यू के साथ हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं। और जब जैसे कि जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर एक हार्मोन है जो कि वो रिलीज़ होता है, जिसे रिलैक्सिन हार्मोन है जो कि कहा जाता है। वो हमारे जो लिगामेंट टिश्यू होते हैं वहाँ पर है जो कि प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से हमारी जैसे कि जॉइंट हो गए, हड्डियाँ हो गई, ये सभी के सभी रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से है जो कि हमारी जैसे कि बॉडी में पेन होने लग जाता है। जब हमें जैसे कि 10 to 14 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर है जो कि ये हार्मोन होता है, जो रिलैक्स हार्मोन होता है, वो बिल्कुल हाई लेवल पर चला जाता है, मतलब बढ़ता चला जाता है। और जिसकी वजह से अगर आपको जैसे कि 10 to 14 वीक की प्रेगनेंसी में अगर आपको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिलैक्स हार्मोन है वो हाई लेवल पर है, और जिसी की वजह से ही आपकी बॉडी में पेन हो रहा है। सो गाइज, हम जैसे कि जब हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर होना एक आम बात होती है, लेकिन उस टाइम पर हमें है जो कि जैसे कि कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और अपने जैसा जब पेन होता है तो उसको आप नेचुरल तरीके से अपने जैसे कि घर के तरीकों से भी ठीक कर सकते हैं। या तो आप जैसे कि सिकाई कीजिए या मालिश कीजिए, और या फिर आप जैसे कि थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज या योगा करके या व्यायाम करके भी आप है जो कि अपने पेन को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर गाइज आपका जो पेन ऐसा है आपको सहन नहीं हो रहा है, तो आपको है जो कि डॉक्टर से भी चेक जरूर करवाना। तो गाइज, ये था एक कारण है जो कि जो मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पर है जो कि वो पेन क्यों होता है। तो नेक्स्ट गाइस कारण मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि जब हमें प्रेगनेंसी होती है, जैसे जैसे टाइम है जो कि बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, तो जो हमारा बेबी होता है वो भी ग्रो है जो कि करता चला जाता है, और जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उनके अंदर खिंचाव आ जाता है, और इतना जैसे कि जो खिंचाव होता है उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में है जो कि पेन होता है। और नेक्स्ट कारण है गाइस, जैसे कि हमारी बॉडी में हमारी कमर या पीठ दर्द होने का, वो है विटामिन डी की डिफिशेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर है जो कि बहुत सारे विटामिन्स या न्यूट्रिशन या मिनरल्स की है जो कि गाइस कमी हो जाती है, तो उनकी वजह से भी है जो कि हमारी बॉडी में जैसे कि पेन होने लगता है या थकावट है जो कि वो हो जाती है। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी के टाइम पर अपनी है जो कि अच्छी डाइट रखिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो भी हेल्दी रहे, आपका बेबी भी हेल्दी रहे, और आप सभी प्रॉब्लम से है जो कि दूर रहे। और नेक्स्ट गाइस, जैसे कि मोस्टली है जो कि कारण होता है, जैसे कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर है जो कि हमें अधिक देर तक है जो कि काम नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा देर है जो कि जैसे कि काम करते हैं, बैठिए, क्योंकि लंबे समय तक और लगातार काम करने से भी आपकी है जो कि पीठ या कमर दर्द हो सकता। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको है जो कि बहुत सारे कारण बताए हैं कि हमारी पीठ दर्द या कमर दर्द है जो कि वो क्यों होती है। अगर आपको भी ये वाली प्रॉब्लम है तो आने वाली मेरी वीडियो का इंतज़ार करना है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से हैं कि अपनी जो पेट दर्द या कमर दर्द को है जो कि ठीक कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ कर्ल मी क्रेजी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।